जय माता दी दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, और आज दिन है थर्सडे। तो सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने आज अपनी कर ली है। वैसे भी थर्सडे को ज़्यादा क्लीनिंग तो रहती नहीं है, और ज़्यादा कुछ वैसे भी क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए थर्सडे को, कहा जाता है, क्योंकि उससे लक्ष्मी जो है वो घर से चली जाती है। तो थर्सडे को मैं उतनी क्लीनिंग नहीं करती हूँ, हल्का फुल्का ही करती हूँ। तो बस नहा धो के आ गई हूँ, और वही पिंक वाली साड़ी मैंने वेयर कर ली है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पूरे नवरात्रे में साड़ी ही वेयर करूँगी, तो इसलिए साड़ी वेयर कर रही हूँ। बस थोड़ा सा अपना छोटा मोटा मेकअप मैं कर रही हूँ जो डेली का होता है। और फ्रेंड्स, ये देखो, ये मैं स्टिकर वाली बिंदी लगाती हूँ, ये मैं लेके आई थी अलोपिन से। बहुत अच्छी बिंदी है, मतलब कि बहुत समय तक लंबा चलती है। अगर मैं इसको लगाई रहती हूँ ना, तो चाहे मैं नहाऊँ, चाहे फेस वॉश करूँ, कुछ भी करूँ ना, बिंदी नहीं हटती है। तो ये मुझे स्टिकर वाली बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मैंने दो डब्बे ले लिए हैं, एक छोटी है थोड़ी और एक थोड़ी बड़ी है, आपने तो देखा ही होगा ब्लॉग में। और नॉर्मल सा हल्का सा मैं काजल लगा लेती हूँ अपने आँख में। मेरा बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होता है, मुझे वैसे भी ज़्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं है, और कभी कदार कर लेती हूँ, जैसे शादी वादी में जाना हुआ तभी मैं मेकअप करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि एक नकाब सा चढ़ा लिया है, जो अपना रियल फेस है वही दिखाना चाहिए। नहीं, नकाब चढ़ा के दिखाने से क्या फ़ायदा, नहीं जब आपकी रियलिटी आएगी तो वो तो दिख ही जाएगा ना, कैसा फेस है कैसा नहीं। तो मैं तो बिल्कुल ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं करती हूँ। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप थोड़ा सा मेकअप तो कर लिया करो ब्लॉग में, तो उससे आपकी ब्लॉग अच्छी लगेंगी और थोड़ी चलेंगी भी। तो इसलिए हल्की सी लिपस्टिक मैं लगा लेती हूँ अपने लिप्स पे फ्रेंड्स कुछ दिनों से, और वो भी फिंगर की मदद से ही लगाती हूँ। मैं पूरा लिपस्टिक का स्टिक लेके नहीं यूज़ करती हूँ, उससे बहुत ज़्यादा हैवी लिपस्टिक लग जाती है, तो इसलिए मैं सिर्फ फिंगर की मदद से लगाती हूँ। और मैं इनसे बातें कर रही हूँ, क्या बातें कर रही हूँ वो तो याद नहीं है, लेकिन कुछ तो ये कह रहे थे जिसके कारण मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इसके बाद फ्रेंड्स, बस इतना ही मेरा मेकअप होता है। बाल मैंने झाड़ लिया, और मैं बाल रोज़ झाड़ती हूँ, और सिंदूर मैं डेली लगाती हूँ, सिर्फ शुक्रवार को और एक और दिन है मुझे याद नहीं आ रहा, उस दिन मैं छोड़ के लगाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरी पूजा वगैरह भी हो चुकी है, मैंने अभी जस्ट पूजा किया है सिंदूर वगैरह लगाने के बाद। पूरा तैयार होके ही पूजा करना चाहिए वैसे भी सुहागनों को, सिंदूर उंदूर डाल के। इसके बाद फ्रेंड्स, देखो कमरे में, तो ये देखो कमरे में बैठ के ये देख रहे हैं टीवी, उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय इनको दे देती हूँ, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ, करते हैं कुछ थोड़ी सी छोटी मोटी बात। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आई हूँ कैमरे के सामने, और मेरी पूजा वूजा हो गई है, आप लोगों ने देखा ही होगा पहले। तो बस जा रही हूँ खाना बनाने, और खाने में बस वही दाल चावल बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो उसको दिखाने का मतलब नहीं बनता ना, बार बार दाल चावल दिखाऊँ तो आप लोग भी मैसेज करने लगोगे, क्योंकि दाल चावल रोज़ रोज़ दिखाती है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने ये बिंदी लगाई ना, आप देख रहे हो, ये स्टिकर वाली बिंदी है। ये बिंदी मुझे मिली थी अलोपिन में। अलोपिन यहाँ पर एक फेमस मंदिर है, जहाँ पर माता रानी जी का मंदिर है, और बहुत अच्छा प्लेस है, और वहाँ पे काफ़ी सारे दुकान भी लगे रहते हैं, सामान वगैरह मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो मैं जब जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। तो चलिए, आपका आगे ब्लॉग अपना कंटिन्यू रखते हैं, और ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे करने वाली हूँ एंड में, तो ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग बताइएगा, आप लोग मेरी बातों से सहमत हो या नहीं सहमत हो, ठीक है। तो चलो पहले खाना वाना बना ले, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, और बगल में आप देख सकते हो कपड़े मैं वॉश करके लाई हूँ, तो वो रखा हुआ है। तो कपड़े मैं फैलाती हूँ खाना वाना बनाने के बाद ही फैलाती हूँ, मुझे ईजिली पड़ता है खाना वाना बना के खा के इसके बाद में फैलाती हूँ, क्योंकि तुरंत मैं लग जाती हूँ नाश्ता खाना पीना में, सब चीज़ में लग जाती हूँ, तो वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी रहती है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए। तो यहाँ पर मैं दाल मेरी चढ़ी हुई है कुकर में, आप तो देख ही सकते हो कुकर में दाल चढ़ी हुई है, और मेरी रबड़ ना मुझे इतनी अच्छी मिल गई ना बायलक, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी हुई कि रबड़ मिल गई, और काम भी कर रहा है बढ़िया से। वो होता है ना कि जब आप कुकर लेने जाओ तो एक्स्ट्रा में एक रबड़ देते हैं, तो वो मैं भूल ही गई थी कि एक्स्ट्रा में भी एक रबड़ मुझे मिला होगा, तो फिर मुझे ऐसे सफाई में मिल गया। तो यहाँ पे चावल मैंने निकाल ली है, और इसको भी मैं अच्छे से बिन लेती हूँ चावलों को, और चावल बीनने के बाद चावल चढ़ा दूँगी, तो बस यही मेरा आज का लंच बन के रेडी हो जाएगा, दाल और चावल। जो कि ज़्यादातर हम लोग लंच में दाल चावल ही खाते होंगे, इंडियंस तो ज़्यादातर खाते होंगे सादा खाना, सूखी खाना, सात्विक खाना होता है, और सात्विक जीवन वैसे भी जीना चाहिए, क्योंकि उससे ना आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आपकी जीवन शैली जैसी होगी ना, तो वैसा ही आपका हेल्थ वगैरह सब होगा। तो चलिए, तो
तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ बाहर आ गई हूँ और यहाँ मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा, बिल्कुल अजीब सा लगता है। तो यहाँ मैं बस आई हूँ कपड़ा फैलाने के लिए, जा रही हूँ कपड़ा फैलाने, और यहाँ की भी सफाई मुझे करनी है। बट ये नवरात्रि जब बीत जाएंगे उसके बाद करेंगे, सारी सफाई शुरू करेंगे। तो चलिए कपड़े फैला लेते हैं। धूप जो है ना एकदम ऐसे ठंडा ठंडा मौसम जैसी धूप निकली हुई है। चलो कपड़े फैला लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये साड़ी मैं हटा लेती हूँ, और इस समय धूप जो है ना फ्रेंड्स कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मैंने कहा था ना ठंड जैसे से आएगी ना तो धूप होनी कम हो जाती है, और ऐसा पता नहीं क्यों होता है। और पानी फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको ये बताती हूँ कि मॉर्निंग में जब मैं उठी थी आज ना, तो इतनी तो सबसे पहले ठंड लग रही थी, और जैसे ही मैं गई पानी मैंने खोला हैंड वॉश करने के लिए कि हाथ धोती हूँ फिर चाय बनाती हूँ, क्योंकि सो के उठने के बाद नॉर्मली हाथ धो के काम शुरू करना चाहिए, तो इसीलिए मैं हाथ धोने गई तो इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था मैं बता नहीं सकती। अभी जब इतना ठंडा लग रहा था तो ठंड में तो और बुरा हाल हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे यहाँ ना टंकी लगी है तो टंकी में पानी भर के रहता है, तो रात भर में बहुत ज़्यादा वो ठंडा हो जाता है, ठंड में तो और ठंडा हो जाता है। और गर्मी में ऐसा होता है ना कि धूप निकली रहती है तो टंकी का पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर दिन में आप नहाने जाओ मेरे यहाँ अगर 12 बजे के बाद आप नहाने जाओ तो नहीं नहा सकते हो, गर्मी में बिल्कुल ठंडा पानी हो जाता है। और मॉर्निंग में अगर आप ठंड में नहाने का सोचो तो बिल्कुल नहीं नहा सकते हो, नहा सकते हो लेकिन जब आप पंप चलाओगे तब पंप से, क्योंकि गर्म पानी आता है। तो मैं ज़्यादातर ठंड में पंप चला के ही हम लोग नहाते हैं क्योंकि उससे गर्म पानी आता है तो नहाने में भी इजली हो जाता है, और मेरी आदत है मैं कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाती हूँ। तो फ्रेंड्स खाना होना खाने अब मैं बैठ चुकी हूँ, और ये मेरी रोटी थोड़ी सी जल गई क्योंकि ये रोटी शाम की बची हुई थी तो उसको मैंने थोड़ा सा सेक लिया था गैस पे, तो थोड़ी सी जल गई है लेकिन ठीक है, मैं खा लेती हूँ, मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मेरी आदत शुरू से है, बचपन से है, इतनी दुख मुसीबत झेली हुई हूँ ना कि हर चीज़ की आदत हो गई है, तो अब एडजस्ट हर चीज़ मैं कर लेती हूँ। और ये थोड़ी सी सब्ज़ी भी बची हुई थी रात की तो इसको भी मैंने गर्मा के खा लिया है, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी है। और दाल तो आप देख सकते हो, जीरे मिर्च में छौंक दिया है, और थोड़ी सी चावल लिए और मिर्च भी लिया है क्योंकि मैं मिर्च खाती हूँ बट मेरे घर में कोई नहीं खाता है। और इसके बाद फ्रेंड्स मैं लग गई हूँ अपने बर्तन धोने के लिए, और बर्तन इसलिए अभी वॉश कर दे रही हूँ कि आराम से फिर मैं जाके इंतमान से सो जाऊँगी दिन में, क्योंकि खाना खाने के बाद बड़ी नींद आती है तो फिर एकदम उठूँगी मैं 4 बजे, तो इसीलिए मैं बर्तन भी अभी निपटा देती हूँ, धो के रख देती हूँ। और इसके बाद आप साइड में देख सकते हो मम्मी जा रही हैं अपना बाथरूम वगैरह, तो वो दिख रही होंगी आपको। और आप लोग बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मम्मी को लेके आओ वीडियो में, मम्मी को लेके आओ। फ्रेंड्स मैं कोशिश तो करती हूँ लाने की बट मम्मी उतना यूज्ड टू कैमरा नहीं है फ्रेंड्स, वो नहीं आना चाहती हैं, तो मैं क्या करूँ, वो अपनी पिक तक नहीं खिंचवाना पसंद करती हैं, आप खुद सोचो। उनको बिल्कुल भी मतलब मोबाइल से उतना वो लगाव ही नहीं है, मम्मी मेरी उस ज़माने की हैं आप समझ सकते हो, तो उन लोग की सोच किस तरह से हो सकती है आप बिलीव नहीं करोगे। पहले तो मेरी मम्मी पापा मेरे ससुराल वाले कोई भी राज़ी नहीं था मुझे यूट्यूब पे आने के लिए चलाने के लिए, धीरे धीरे सब राज़ी हो गए जब जानने लगे कि क्या होता है यूट्यूब कैसे होता है, तब लोग जानने लगे हैं। लेकिन अभी मेरी मम्मी उतना तैयार नहीं होती हैं कैमरे के सामने आने के लिए, तो इसीलिए मैं नहीं ला रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी सबको कैमरे के सामने लाऊं। और हस्बैंड तो मेरे शर्मीले हैं, थोड़ा बहुत मैं उनको रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो कर लेती हूँ, वरना मैं उनको तो पक्का ले आऊँगी मैं कभी ना कभी, जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी उनको, मैं कैमरे के सामने ले आऊँगी उसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ, लेकिन मम्मी की नहीं ले सकती हूँ। मम्मी उस ज़माने की मेरी हैं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, उनकी सोच में और मेरी सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रेंड्स, तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो चलिए बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, वरना फिर मैं यहाँ पे बकबकाती ही रह जाऊँगी। तो थोड़ा साउंड के साथ एंजॉय करिए, फिर आगे मिलती हूँ।
रात में अपना ब्लॉग का एंडिंग करने के लिए बैठी हुई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं दिन में ही एंड कर दूँ, बट फिर मैं सो गई थी, फिर बड़ा आलस आलस सा आ रहा था, तो बैठ के सिर्फ टीवी देख रही थी। इसके बाद उठी तो लग गई काम काज में, दिन कह रही हूँ डिनर उनर बनाने में लग गई, तो इसके बाद फिर ब्लॉग का एंड ही नहीं कर पाई, तो अब रात में बैठी हुई हूँ एंड करने के लिए। और आज मैंने बाल देखो ऐसे बांधा हुआ है, किससे लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर जुड़ा है और इस तरह से बाल मैंने किया हुआ है, ऐसे बांधा हुआ है। और थोड़ा सा मेरा मूड भी ऑफ हो गया था बीच में, क्योंकि मैंने आपको कम्युनिटी पे पोस्ट करके बताया ही था क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो कुछ लोग ऐसा ऐसा बोल देते हैं कि मेरा मन एकदम उदास सा हो जाता है, और मैंने उस चीज़ को, अपनी फीलिंग को, अपनी बात को थोड़ा सा शेयर किया कि आप लोग थोड़ा सा कुछ समझाओगे, कुछ दिलासा दोगे तो मुझे थोड़ी सी रिलीफ फील होगी। बट उसमें भी आके दो चार लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा सुना दिया कि उस फिर से मन एकदम टूट सा गया था। लेकिन ठीक है यार, जाने दो, मैं सब चीज़ को अब इग्नोर करने की कोशिश करूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर बातों को लोगों की इग्नोर करूँ। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहने वाली थी, तो थोड़ा सा तो मैंने बोल ही दिया था वीडियो में, तो मैं यही बोलने वाली थी फ्रेंड्स की मैं फाइनली अभी किसी को यूट्यूब पे नहीं ला सकती हूँ इस तरह से, बिना भी किसी को पूछे। अगर मैं लाल भी दूँ अचानक से, उन लोग को पता चलेगा तो मुझ पे ही सब गुस्सा करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं लोगों को मना सकूँ, अपने मम्मी को मना सकूँ, और ससुराल वालों की तो उम्मीद बिल्कुल भी मत करिएगा कि ससुराल वाले मेरे ब्लॉग्स में आएंगे, क्योंकि वो लोग तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि इतना मतलब कि लोग तुरंत राज़ी नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए। अगर आप करो, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, तो आप किसी अपने को उस चीज़ को करने नहीं दोगे। तो सब चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले भी मेरे परिवार में कोई भी राज़ी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सबको इस चीज़ की नॉलेज होने लगी कि ये होता क्या है और इसमें करना क्या होता है और इससे अर्निंग वगैरह होती है, सब किसी को भी मालूम नहीं था। तो जैसे मालूम चला तो लोगों ने भी मुझे परमिशन दे दी इस चीज़ की। पहले मेरे लिए इतना आसान नहीं था यूट्यूब पर ब्लॉगिंग करना या वीडियो बनाना, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, लेकिन अब सब ठीक है। और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रही हूँ कि मेरे ब्लॉग्स में मेरी मम्मी भी आएँ, और सिस्टर मेरी आएंगी जल्दी ब्लॉग्स में, उनकी तो गारंटी लेती हूँ, और अपने हस्बैंड की गारंटी भी लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आने के लिए तैयार हैं, बस कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम दो। मैं कोशिश कर रहा हूँ आने की, तो बस वो आ जाएंगे, मेरी सिस्टर भी आ जाएगी। मम्मी का मैं उतना नहीं बोल सकती हूँ कि मेरी मम्मी आएंगी कि नहीं ब्लॉग में, नहीं आएंगी आएंगी कुछ नहीं कह सकते हैं, कोशिश कर सकती हूँ मैं, बस इतना ही मुझे कहना था। और करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड फ्रेंड्स, और जितने लोग भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उनका थैंक यू सो मच, क्योंकि वो लोग मेरी फीलिंग, मेरी भावनाओं को, मेरी बातों को समझ सकते हैं, इसलिए वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग भी कुछ बैड कमेंट्स कर रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच डियर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है यार, किसी की सोच कुछ होती है, किसी की सोच कुछ होती है, तो उसमें कोई बुराई की वाली बात नहीं है। वैसे भी ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर हर कोई अपनी राय रख सकता है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। मैं अपनी राय रख सकती हूँ तो आप लोग भी रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें फ्रेंड्स। और चलिए करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर।